फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इतना स्पेशल नहीं है, बट आज थोड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। हमारे घर में कल गेट टुगेदर है, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन हमने आज स्टार्ट कर ली है। मम्मी आज वेजिटेबल्स लेके आई थी। हमारा मीनू क्या है मम्मी? जिन्हें पालक पनीर बनाने का सोचा, आज पूरी मार्केट घूम ली मैंने, पालक मिली नहीं रही थी कहीं भी। तो कल हम लोग एक तो पालक पनीर बनाएंगे और पालक मिल नहीं रही थी कहीं भी, बड़ी मुश्किल से एक आदमी के पास बस 2.5 किलो पालक थी। मैंने कहा भैया तू सारी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी ने सारे पालक को अच्छे से धो लिया है और बड़े पतीले में पानी डाल के इसको बॉईल करने रख दिया है। कितना पानी डालते हैं मम्मी बॉईल करने के लिए? 2 गिलास तो डाले हैं मैंने। अच्छा, और वो भी फिर कब बॉईल करोगे? बर्तन थोड़ा छोटा है ना, बड़ा नहीं हो जाएगी तो फिर वो करेंगे। ये तो हो जाएगी तो फिर मैं उसको डाल दूंगी। तो उसके बाद फिर ठंडा करेंगे तो फिर मिक्सी में पीसूंगी, फिर मैं दिखाऊंगी उसमें। ठीक मम्मी, ये आप हरी चटनी बना रहे हो, क्या क्या डाला इसमें आपने? अम्बी डाली है, हरी मिर्च डाली है, प्याज डाला। पहले मैं इनको एक बार पीस लूंगी। प्लग ऑन नहीं होगा। ये मेरी सुमित की मिक्सी है, 35 साल पुरानी। मेरे को कोई नहीं पसंद आती इसके सामने। फ्रेंड्स, इस मिक्सी की एज है 35 इयर्स। और मेरे को इसके सामने कोई पसंद ही नहीं आती मिक्सी में। पर 3 मिक्सियां और हैं। अब मैं धनिया डाल रही हूँ। अब इसमें मम्मी ने थोड़ा सा धनिया डाला, थोड़ा सा पानी डाला। डंडियों के साथ डालना चाहिए। क्यों ऐसे स्पेसिफिक? क्यों? उसकी स्मेल ही, डंडियों की स्मेल ही नहीं होती है। सी फ्रेंड्स, इसका कलर देखो धनिया की चटनी का, है ना? और मम्मी कह रही थी कि चटनी हमेशा धनिया के साथ डंडी भी डालनी चाहिए, क्योंकि उसका जो असली फ्रेग्रेंस होती है, स्वाद होता है, वो डंडियों में ही होता है। हमने इसमें नींबू नहीं डाला था, हमने इसमें कच्ची अम्बी डाली थी। या आप आंवला भी डाल सकते हो। नहीं, हाँ, कच्ची अम्बी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में थोड़ा सा नमक डाला। अभी चटनी हमारी रेडी हो गई है, तो मम्मी इसको एक एयरटाइट कंटेनर में निकाल लेती हैं। चटनी ऐसे फ्रिज में पड़ी भी हो ना, तो आप कुछ भी खा रहे हो लंच में, दाल चावल या सब्जी रोटी या ऐसे कोई स्नैक्स, आपके पास चटनी रेडी है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट चटनी में, आप चीनी डालेंगे ना तो उसका जो टेस्ट है वो एनहेंस होके आता है, खट्टा मीठा। तो भी हम लोग यहाँ पे पालक पनीर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बॉयल पालक थी उसको हम पीस रहे हैं हरी मिर्च के साथ। पीसो मम्मी। अब पीसी पालक को हमने एक पतीले में निकाल लिया है, बस इसके बाद अब तड़के का ही काम रह जाएगा। तो वो तो आधा घंटा पहले भी आप कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं एंजो को ट्यूशन ड्रॉप करके यहाँ पे स्नैक्स लेने आई हूँ। वो सेम हमारे अचारण निकेतन की मार्केट में, वो जो मद्रासी वाला भैया है, उसके वेफर्स और उसका बाकी सामान मट्टी वट्टी बहुत टेस्टी होता है। तो चलो चल के देखते शॉप पे मैं क्या लेती हूँ। ये शॉप है, इसके पास कितना वैरायटी है। और एक स्पेशल चीज बताऊँ, ये जो केले के चिप्स होते हैं, आलू के चिप्स होते हैं, देखो ये ना सामने ही हमारे फ्राई करके देते हैं। सब कुछ सामने यहाँ पे फ्राई होता है। इसका इतना सेलिंग है कि उसी टाइम बना के पैक करके बेचता है भैया। कितनी वैरायटी है देखो, मतलब शॉप के बाहर भी सामान इतना रखा हुआ है। शॉप तो वैसे ही बहुत भरी होती है। तो चले भैया से भी जाके मिलते हैं। हाँ जी भैया, देखो कितना बड़ा पैकेट है वेफर्स का। इनका वेफर्स आप कितने दिन भी घर में रखो ना, डब्बे में एयर टाइट सील करके, बिल्कुल क्रिस्पी रहते हैं। भैया फ्रेंड्स को हेलो बोल दो। भैया बिजी हैं, देख नहीं रहे, गुस्से में हो भैया। आधा किलो वेफर्स दे दो, आधा किलो नमक पारे। पे मैंने 1/2 kg चिप्स पैक करवाया है और 1/2 किलो नमक पारे। ये क्या है, मीठा है? अच्छा, सॉरी। देखो भैया ने हर चीज़ पैक करने से पहले हाथ में ग्लव्स पहना है।
हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने ये सामान पैक करा लिया है और मुझे लेना है छैना मुर्गी, तो वो मैं अग्रवाल स्वीट से लूँगी। बाकी समोसे और खांड भी फिर शाम को एंजल के साथ आऊँगी लेने। सी फ्रेंड्स, आपको मेरी स्किन कैसी लग रही है? आजकल मैं होम केयर कर रही हूँ, स्किन केयर स्पेशली। तो पहले इसको सन टैनिंग से बचाती हूँ एंड कोई भी होम मेड मास्क लगाती हूँ एंड पानी बहुत सारा पीती हूँ, सुबह गुनगुना पानी और सारा दिन भी पानी जितना हो सके। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिए आपको ड्रास्टिक चेंज लगेगा अपनी स्किन में। ये हमारे घर के पास मयूरवार में अग्रवाल बीकानेरी स्वीट्स वाला, तो यहीं से मैं मोस्टली अपना स्वीट्स लेती हूँ। तो अभी छैना मुर्गी लेनी है, मैं अंदर जा रही हूँ। ये रही छैना भैया, कैसे दिए छैना? अच्छा, आधा किलो पैक कर दो। कैसे कितने रुपए हो गए? 240। सोच रही हूँ अभी ना, घर पे काफी किचन में ना मैसी हो रहा है, मतलब खाना बन रहा है बाहर से ही ना, मैं छोले कुलचे वगैरह पैक करा लेती हूँ। एंजल आती मांगेगी ना। बहुत दिन पहले ना एक ब्लैंकेट और एक टॉप ली थी मैंने ड्राइविंग के लिए, लेने नहीं गई, सोच रही हूँ ले लेती हूँ। भैया आपको पता है एड्रेस? आचार्य निकेतन के एड्रेस पे होगा, 4/25A। ब्लैंकेट मैं बाद में ले लूंगी, अब पहले टॉप दे दो। दोनों चीजें अलग अलग दी थी वैसे, पिंक कलर का टॉप है, पिंक एंड ब्लैक। इसका टैग कुछ है ना 7115, नहीं 7135। भैया नहीं है, कौन सा वाला किस पे करूं? ये 80 रुपीज। हाँ। साइन कर दूं? साइन डेट पे। आज क्या डेट है? 23। और क्या लिखूं? रिसीव्ड। ये लोग पेटीएम यूज नहीं करते ना, फोन पे पैसे थे नहीं, वापस आ गई, मैं टॉप भी नहीं मिली। देखती हूँ शाम को का चक्कर लगेगा ना, तब ले लूंगी। क्यों नहीं आ सकती? बस वो मतलब दो बार सीढ़ियाँ चढ़ गई तो वो दो बार ही आ गई। बड़ी बेकार है। सी फ्रेंड्स, आज देखो हमने घर कितना अच्छा डेकोरेट किया है। ये न्यू कर्टन लगाए थे, ये सोफा कवर, कुशन कवर, ये सेंटर टेबल का क्या बोलते हैं इसको मम्मी, ऐसे डेकोरेटेड टेबल मैट, मेरे को तो वर्ड ही कई बार भूल जाते हैं। और सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखो कितनी सफाई की, हर चीज़ इतनी चमक रही है क्योंकि आज मेरे मामा जी ने आया ना बहुत सालों के बाद। यहाँ पे ये टिश्यू के कर्टन थे, मामी जी तो बेचारी पीछे उनकी डेथ हो गई थी, तो अभी क्या करें, बच्चों के लिए सबके लिए तो हमें करना ही पड़ता है। इस रूम में ये देखो कितनी प्यारी बेडशीट बिछाई है, ये मम्मी का रूम है, देखो मैंने कितना अच्छा क्लीन करा है ऊपर से लेकर नीचे तक, नीट एंड क्लीन। ये हमारा मिट्टू, और देखो मैं अपने कमरे में लेके जाती हूँ, मम्मी नहा लो मम्मी। ये मेरा रूम है। सी फ्रेंड्स, देखो मेरा रूम, ये मेरी कबर्ड, यहाँ मैंने छोटा सा वास रखा है विद फ्लावर, एंड ये मेरा ड्रेसिंग टेबल, ये एंजल ने मैट बिछाया है, कितनी मम्मी सुंदर लगता है। और ये मेरी न्यू कैबिनेट, अंदर से तो आपने देखी हुई है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे को बहुत शौक था। हाँ बोलो मम्मी, दरवाज़ा भी साफ लग रहा है ना, मुझे आता है ना सफाई करके, मुझे ना आजकल सफाई का बड़ा शौक आ गया है। यहाँ से स्टेयर्स हैं, ये ऊपर जाता है, हमारे ऊपर एक घर है मेरे भाई का,
यहाँ से ऐसे करके सीढ़ियाँ घूम के जाती हैं, ऊपर रौनक कीरत रहते हैं। अभी नीचे आएंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगी, मतलब ऊपर नीचे बच्चे हमारे ऊपर नीचे भागते रहते हैं। डस्टबिन वाला कूड़े वाला आया नहीं, ये बाबा जी की फोटो, बस वाइट वॉश कराएंगे इस साल तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा घर। और एक दो चीज़ें मैं अपने रूम में रेनोवेट करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। ये बच्चों ने मारे हैं, हमने कहा बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो ये एक ही बार वाइट वॉश करेंगे। और शैडो को दिखाऊँ, बेचारा हाय, ये सारे मैट लेके बैठा हुआ है। हाय मेरा बच्चा, अभी आपको अंदर लेती हूँ। माँ मेरे को मैट्स भी दे दो नए वाले, मुझे बालकनी साफ करनी रहती है। और शाम को क्या क्या है, और ये मैं लेके आई थी ना अभी चिप्स, नमक पारे स्नैक्स, और ये स्वीट एक, बाकी कुछ एक दो स्नैक्स और हैं वो मैं रात को जाऊंगी मार्केट एंजल को लेके शाम को। तो खाना मम्मी बनाएंगी, जो बनाएंगी फिर मैं आपको थोड़ी सी क्लिपिंग तब दिखाऊंगी। अभी हम लोग लंच करके थोड़ा सा लंच करके थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करेंगे, बहुत टायर्ड हो रहे हैं, उसके बाद में शाम को आपको मिलती हूँ। अभी एंजल को आने में आधा घंटा है और अभी कुछ बनाया नहीं है, फ्रिज में कड़ी पड़ी थी, अभी क्या है घी की दाल, फुलके भाई ले आया था बाहर से तंदूर के, तो अभी मैं ये खा के थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करूँगी। फिर मुझे बर्तन निकालने हैं और क्रॉकरी निकालनी है, शाम की कुछ प्रिपरेशन करनी है। मम्मी फिर तड़के वड़के लगाएंगी ना, हैं। तो ये वाला व्लॉग फिर मैं यहीं फिनिश करती हूँ, शाम का एक सेपरेट व्लॉग हम शूट करेंगे हम तैयार होके। फिर जब सब लोग आ जाएंगे तो मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी भी, सबसे आपको सब दिखाऊंगी भी मेरी फैमिली में कौन कौन है और हम लोगों की पार्टी कैसी रहेगी। छोटा सा गेट टुगेदर, ऐसे कोई ओकेजन नहीं है। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मुझे आपकी न्यू वीडियो के, आपको मेरी न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलती रहे। सॉरी, चलिए बाय, टेक केयर गाइज़।